कई बार जब गरीब लोग अलग अलग सिचुएशंस में कभी कभार कुछ सिचुएशंस में मजबूर हो जाते हैं। जैसे इंडिया एक लार्जली एग्रीकल्चरल कंट्री है, 60% इंडियंस को उनका जरिया माश एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। अब जो फार्मर है, जो खेती करता है, उसके लिए तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे तो खेती बाड़ी करनी ही है। सिस्टम्स ग्रेजुअली इस तरह से बनाए गए ताकि वो फार्मर को आना पड़े लोन्स लेने के लिए। सिस्टम्स इस तरह के बनाए गए और इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए। जैसे मिसाल के तौर पर एक वक्त था जब फार्मर ये करता था कि जो उसने खेती की वो खेती करके उसे बीज खुद उसके खेती में से ही मिल जाएंगे। लेकिन जब से हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स का सिस्टम आया, अब जो प्रोड्यूस ग्रो होगी उसके अंदर से जो सीड है वो नहीं यूज़ की जा सकती, सीड के लिए उसे खरीदना पड़ेगा। फर्टिलाइजर्स वगैरह की जब आदत डाल दी गई ज़मीन को, और जो हम देखते हैं कि जैसे आज जो एक सिस्टम है जिसके अंदर सब चीज़ प्योर सिस्टम से तरीके से किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक, जो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक सिस्टम की बात है तो ऑर्गेनिक को लोग आज कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्मॉल उसका कंपोनेंट है और बहुत महंगा रखा गया है। तो हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक सिस्टम्स की जगह जब ज़मीन को आदत डाल दी गई फर्टिलाइज़र की, अब यहाँ पर एक फार्मर को लेना पड़ रहा है लोन्स। अब लोन्स लेने के बाद प्रॉफिट हो, लॉस हो, कामयाब हो, फेल हो, तुम्हें कुछ भी मिले तुम्हें सूद तो देना पड़ेगा। अब जब सूद देना पड़ेगा तो क्या हाल हुआ? हाल तो हम सब जानते हैं कि क्या हुआ। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि सन 2002 से लेकर 2006 के बीच की स्टैटिस्टिक्स जो रिलीज़ की गई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, उससे पता चला कि हर साल 17,500 फार्मर्स सुइसाइड कर रहे थे। 17,500 फार्मर्स सुइसाइड कर रहे थे, यानी हर आधे घंटे में एक फार्मर सुइसाइड कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपना लोन नहीं भर पाया, क्योंकि जो प्रॉफिट होना था प्रॉफिट हुआ नहीं, सूद तो देना पड़ेगा, लेकिन फिर क्या हुआ, वो भर नहीं पा रहा है तो वो खुद सुइसाइड कर रहा है। और आप गौर करिए कि जब वो खुद सुइसाइड कर रहा है तो उसके बाद उसकी फैमिली और बीवी बच्चों का क्या होगा? अब वो लोन आएगा उसकी फैमिली मेंबर्स पर, अब वो फैमिली मेंबर्स को वो लोन भरना होगा, या क्या सिचुएशन आएगी? अलग अलग टाइप की पॉसिबिलिटीज़ है। तो हम देखते हैं कि कई बार वो औरतें जिनके हस्बैंड सुइसाइड करके मर गए, फिर उनके साथ क्या होता है? शायद वो हदीस का कुछ एक इशारा यहाँ दिख रहा है कि सबसे कम दर्जा ऐसा है जैसे कि कोई शख्स माँ के साथ जिना करे, या 36 बार जिना करने से बड़ा गुनाह है। क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार सोसाइटी में जो करप्शन है वो करप्शन की बुनियाद ये डेट बेस्ड सूदी सिस्टम होता है। कई बार ऐसा होता है कि ये सूदी सिस्टम की वजह से ये इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये भी एक चीज़ है जो हम देखते हैं कि फार्मर्स की सुइसाइड, जो 17,500 से ज़्यादा फार्मर्स हर साल सुइसाइड कर रहे थे, रिपोर्टेड केसेस, कितनी सारी स्टैटिस्टिक्स ऐसी होती है जो गवर्नमेंट चाहता है कि बताई नहीं जाए क्योंकि एम्बैरेसमेंट है गवर्नमेंट के लिए। तो हम देखते हैं ये तो रिपोर्टेड केसेस है, ये रिपोर्टेड है, ये जितनी बातें पता चली। और आप सबको पता होगा कि महाराष्ट्र का बहुत बड़ा कंपोनेंट है ये सुइसाइड्स में। महाराष्ट्र के विदर्भ वगैरह रीजन के अंदर खुद इटसेल्फ बहुत बड़ी स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक तकरीबन हर साल मोर देन 1,000 सुइसाइड सिर्फ विदर्भ के एक रीजन में हो रही थी, मोर देन 1,000 सुइसाइड हर साल। तो ये क्या है कि हम देखते हैं कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये जो सूदी निज़ाम है।